उधर सक्ती जिले के मालखरौद पुलिस ने बुधवार को छापे मारकर देशी शराब के साथ दो युवक को गिरफ्तार किया है। युवकों की पहचान जयप्रकाश सिदार व धर्मेंद्र सिदार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि सिघार गांव के कुसमुल रोड के पास देशी शराब बेची जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने छापे मारकर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली कि जयप्रकाश सिदार तथा धर्मेंद्र सिदार निवासी सुगदा अपने हीरो एच एफ डीलक्स वाहन में शराब रख कर कुसमुल राम सिंगरा की ओर बिक्री करने हेतु ले जा रहे हैं कि सूचना पर पुलिस टीम भेज कर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा जाकर कर देसी शराब 60 पाव कुल 10 लीटर 800 ml बल्क कीमती 4800 रुपया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन कीमती 60,000 रुपये को जब्त किया गया। इधर सीहोर जिले के ग्राम मुंगावली में रहने वाली निकिता कुशवाहा ने नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफलता अर्जित की है। निकिता ने ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए नीट की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहीं पर कोचिंग भी नहीं की। दरअसल निकिता के पिता मजदूर हैं, जो रोजाना काम करने के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। निकिता की प्रारंभिक पढ़ाई मुंगावली के शासकीय स्कूल में हुई है। इसके बाद वह श्रमोदय आवासीय विद्यालय भोपाल चली गई, जहाँ गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। नीट परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करने पर निकिता ने सीहोर जिले के मुंगावली गांव का नाम रोशन किया है। मेहनत तो मेरी स्वयं की थी उसमें, जैसे मेरी अभी हाल ही में मेरी 12वीं हुई है। उसके बाद फिर मैंने 1.5 महीने घर पे पढ़ाई की, मोबाइल से यूट्यूब पे क्लासेस ज्वाइन की, उसके बाद एग्जाम दिया था सीधे। सर यही निवेदन है सरकार से कि वो मेरी बच्ची को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वो आगे और जितनी मेहनत करी वो कम से कम वो उस मुकाम तक पुगे जो उसने मेहनत करी है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि अभी तक तो हमने कोशिश हमारी थी जो पूरी कर ली, अब हम हमारे बच्चे को भी पालते हैं और हमने उसकी भी व्यवस्था करी। अब शिवराज मामा से यह निवेदन है कि उनके गाँव उनके जिले की भांजी पास हो मीट में तो सहायता उनकी चाहिए। रात और दिन कमा के हमने इतनी कोशिश तो कर ली। इधर ग्वालियर के लगभग 100 से अधिक साल पुराने हरिदर्शन स्कूल की कक्षाएं अब साइंस कॉलेज में लगेंगी। इस तरह का आदेश मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने सामान शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल स्कूल का रेनोवेशन होना है। इस स्कूल का अपना एक अलग इतिहास है। हरिदर्शन स्कूल को पहले VC स्कूल का विक्टोरिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था। 1905 में इस स्कूल की जब स्थापना हुई तो सिंधिया रियासत के एक ट्रस्ट ने इस भवन को स्कूल संचालन के लिए दान में दिया था और इस स्कूल में सिंधिया परिवार के ही बलवंत भैया का महल हुआ करता था। आपको बता दें, लेकिन अब रिनोवेशन के नाम पर होने वाले काम को कांग्रेस स्कूल की इमारत व जगह को हड़पने की एक साजिश बता रही है। ये 1905 में स्कूल स्थापित हुआ था और ये बलवंत भैया जो सिंधिया जी के भाई थे, उनकी कोठी उनका महल हुआ करता था, तो उनने ये विद्यालय को दान में दिया था, ऐसा मैं आया हूँ तो पता चला है और जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मालूम चला है। देखिए, ऐसे कईयों मुद्दे हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि कांग्रेस सरकार थी उस पीरियड में, सिंधिया ने कांग्रेस गवर्नमेंट के 15 महीने का जो फायदा लिया, उस फायदों को लेते हुए उन्होंने शहर में जहाँ जहाँ महाराज जीवाजीराव सिंधिया के टाइम से, वो हमारा कोटेश्वर मंदिर हो, वहाँ के ट्रस्ट की जो जगह पड़ी थी, जो मैदान छोड़ रखा था पार्किंग के लिए और मेला लगाने के लिए, उन पर कब्जा किया गया, वहाँ गार्डन बनाए गए, अन्य जगह भी ऐसे ही गार्डन शहर में उस पीरियड में उन्होंने जगह पे कब्जा करके और उसको मुक्त करा के उन्होंने उस पर गार्डन स्थापित कर दिए। इधर जगदलपुर के बिना फायर सेफ्टी के कई अस्पताल और शासकीय कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जबकि फायर एक्ट के तहत सभी शासकीय भवन और कॉमर्शियल भवनों में फायर NOC लेना अनिवार्य है। वहीं जगदलपुर शहर के एक दर्जन से अधिक शासकीय विभागों और कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर फायर एक्ट के मानकों का पालन नहीं हो रहा है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कुछ जगहों पर छोटे फायर सिलेंडर जरूर लगाए गए हैं, पर कई कार्यालयों में फायर सिलेंडर की एक्सपायर हो चुकी है। आपको बता दें, जिसके शुद्ध लेने के लिए किसी भी अधिकारी के पास समय नहीं है। महारानी अस्पताल में फायर सिस्टम है तो हमने शासन से व्यवस्था करने के लिए पत्राचार किया हुआ है और शासन की ओर से
यहाँ अग्निशामक यंत्र स्थापित करने हेतु पहल की जा चुकी है। जो हमारा फायर एक्ट कहता है कि जो भी बिल्डिंग है, जो भी दुकान है, नौ प्रकार की बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग के मापदंड के अनुसार से जो है फायर सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने अपनी ओर से पूर्ण रूप से मॉक ड्रिल के माध्यम से भी स्कूल कॉलेज और जिस जगह पे जैसे मांग आ रहा है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मॉक ड्रिल भी दे रहे हैं और हम लोग जो है जगह जगह जो है बता रहे हैं कि जो फायर जो हो रही अग्नि दुर्घटना उसको रोकने के लिए आप जो है फायर सिस्टम लगाए। इधर 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है जिसको लेकर पूरे देश के हिंदू तीर्थयात्रियों में उत्साह का माहौल है। वहीं इंदौर के भक्तों ने अपनी सहभागिता निभाने के लिए अमरनाथ में लगने वाले लंगर के लिए भोजन सामग्री भेजी है। भोजन सामग्री रवाना करने के लिए इंदौर के युवा विधायक आकाश विजय वर्गीय कांटा फोड़ महादेव मंदिर पहुंचे और बम बम भोले के नारे के साथ सामान से भरे ट्रक को रवाना किया गया। एक एम्बुलेंस पहले ही अमरनाथ जी में पहुंचा चुके हैं और आज लगभग 1 लाख लोगों का भोजन हो जाए, इतनी भोजन सामग्री कच्चा राशन यहां से भेजा जा रहा है। मैं मंदिर समिति को इस दिव्य कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इधर कांकेर में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में कांकेर विधायक शिशुपाल शोरी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस महामंत्री पीयूष कोसरे, पूर्व विधायक शंकर ध्रुवा सहित काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिविर में प्रदेश सरकार द्वारा चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी और उसके आंकड़े कार्यकर्ताओं के साथ साझा किए गए ताकि आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के बीच पहुंचकर सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी जा सके। इससे सतर्क होने की जरूरत है। कई बार हम लोग सरसरी तौर पर देख के उसको सच मान लेते हैं, तो ये जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि किस तरह पुराने फोटो में कुछ नए फोटो डाल के इनको दुष्प्रचार करते हैं। तो ये सावधानी आजकल जिस हिसाब से फ्रॉड हो रहे हैं, इसी तरह का फ्रॉड बीजेपी कर रही है, राजनीतिक फ्रॉड जिसको कहते हैं। निश्चित तौर से जिस प्रकार से हमने 2018 में कमर कसा और सभी कार्यकर्ता ने बखूबी अपनी प्रतिभा को दिखाया और पार्टी के प्रति निष्ठा, जिसके कारण हम सरकार बनाने में संभव रहे, और आज चूंकि हमारा 2023 का चुनाव बहुत कम समय है, काउंटडाउन चालू हो चुका है, उसको दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, जिसमें आज कांकेर का था। तो आपको बता दें आईएनएच हरिभूमि का स्पेशल कार्यक्रम संवाद 2023 आज धार में होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी समेत प्रदेश और मालवा क्षेत्र के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। संवाद में आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी प्रदेश मालवा और धार के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मालवा का खूबसूरत जिला धार, जो ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है, मांडू धार की शान है। धार में हिंडोला महल, जहाज महल, रूपमती महल, बाग गुफाएं और ना जाने कितनी ही इमारतें हैं जो सदियों का इतिहास अपने में समेटे हैं। धार में भूतशाला भी है, मतलब साफ है कि धार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इसी धार में आईएनएच 24/7 हरी भूमि 25 जून को करने जा रहा है अपना विशेष कार्यक्रम संवाद 2023। मध्य प्रदेश के विकास पर होगी बातचीत, प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह से होगी बात, मालवा के विकास पर भी होगी चर्चा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा करेंगे विकास पर संवाद, धार के विकास पर भी होगी स्पेशल चर्चा, स्थानीय सांसद और विधायक रखेंगे विचार, विपक्ष के नेता भी विकास पर रखेंगे अपनी बात, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी रखेंगे विपक्ष का पक्ष। आईएनएच 24/7 हरी भूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी करेंगे सवाल। आईएनएच 24/7 हरी भूमि के कार्यक्रम में आने वाले मेहमान संवाद 2023 को लेकर उत्साहित हैं। सभी को भरोसा है कि कार्यक्रम में विकास पर सार्थक बात होगी।
2023 के संवाद कार्यक्रम में जो 25 जून को निर्धारित है, INH हरिभूमि के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 25 जून को मैं उपस्थित रहूँगा। सभी से आग्रह है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने। जो INH और हरिभूमि के द्वारा ये संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें देश भर के लोग हिस्सा लेंगे और उसमें वो भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आपातकाल के और संकट को झेला है। मैं हरिभूमि के इस प्रयास के लिए उनको बहुत शुभकामनाएं और INH को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत एक राष्ट्रीय मुद्दा और ख़ास तौर पर देश की युवा पीढ़ी को उस काले अध्याय से अवगत कराने का प्रयास करने जा रहा है। और मैं जानता हूं कि डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी का संवाद सार्थक ही होता है, इसलिए इसकी सार्थकता को दृष्टिगत रखते हुए कल मैं भी उस संवाद में शामिल हो सकूंगा, ये मेरा सौभाग्य। मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हाँ, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसमें INH हरिभूमि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हो जाइए तैयार, मेहमान तैयार है मंच पर सवालों का सामना करने के लिए। धार शहर को भी है आपका इंतजार, विकास पर संवेदनशील चर्चा सुनने के लिए तैयार। INH 24/7 हरी भूमि को भी रहेगा आपके साथ का इंतजार। तो फिर 25 जून को दोपहर 3 बजे पहुंचिए क्रांति पैलेस गार्डन, यहीं से निकलेगी प्रदेश मालवा और धार के विकास की नई राह। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। इधर ग्वालियर RPF थाना पुलिस ने ट्रेन में चेकिंग कर रहे फर्जी TC को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फर्जी TC के पास से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, आई कार्ड और कुछ सामान भी बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि झांसी से ग्वालियर की ओर जा रही बुदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन में एक फर्जी युवक TC बनकर लोगों की टिकट चेक कर रहा है, तभी पुलिस ने ट्रेन के ग्वालियर आते ही फर्जी TC को धर दबोचा। इधर राजनांदगांव के रहने वाले यस सोनी खास मकसद के साथ प्रदेश भर में साइकिल यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान सोनी कोंडागांव पहुंचे। सोनी ने बताया कि उनकी साइकिल यात्रा का अहम मकसद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करना है। अब तक वह उनसे मिलने के लिए 51 बार कोशिश कर चुके हैं। बता दें, यात्रा के दौरान वह प्रदेश सरकार योजनाओं से संबंधित जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, साथ ही युवाओं को साइकिल चलाने के लिए उत्साहित भी कर रहे हैं। सोनी ने 82 दिनों में 22,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। उन्होंने बताया कि केशकाल विधायक संतराम नेताम ने मुलाकात के दौरान उनकी हौसला अफजाई की है। सुबह 10 बजे मैंने इस साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा के 10 सूत्री उद्देश्य हैं। सबसे बड़ा जो पहला उद्देश्य है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का 52वां प्रयास करना। इससे पहले मैं 51 बार प्रयास कर चुका हूँ पर सफलता नहीं मिली है, और इस प्रयास में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं गांव और शहरी क्षेत्र में चल रही है, उसका मैं फीडबैक ले रहा हूँ। और इस यात्रा में मैं पुलिस के लिए कॉपरेट अभियान चला रहा हूँ, युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि साइकिलिंग करें। इधर चिरमिरी नगर निगम के कांग्रेस पार्षद के 7 पारिवारिक सदस्यों को जनसंपर्क निधि की राशि दिए जाने का मामला अब गरमाता जा रहा है। एक ओर जहां MIC मेंबर परिवार के 7 सदस्यों को 25,000 रुपए देने पर भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वेच्छा अनुदान की राशि का बंदरबांट का आरोप लगाया था, तो कांग्रेस विधायक ने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय दीपक पटेल को भी मैंने इलाज के लिए 1,00,000 रुपए की स्वेच्छा अनुदान राशि दी थी। विधानसभा में जो स्वेच्छा अनुदान की राशि है उसका बंदरबांट का मामला सामने आया है, उसमें एक ही परिवार के 8 व्यक्तियों को 25,000 रुपए का जो चेक दिया गया है, निश्चित रूप से एक ऐसा लगता है कि क्षेत्र में स्वेच्छा अनुदान की राशि का बंदरबांट किया गया है। कि स्वर्गीय दीपक पटेल जो इस क्षेत्र के विधायक थे, पूरे क्षेत्रवासियों को पता है कि किस तरह से वो गंभीर अपने किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। उनको भी मैंने बिना किसी के बताए 1,00,000 रुपए का स्वेच्छा अनुदान दिया है। जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके पता करें, जाके रिकॉर्ड निकलवाएं अगर कुछ शौक है तो। इधर दुर्ग पुलिस ने लंबे समय के बाद एक बार फिर महादेव
ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का कार्य जामुल के एक घर में किया जा रहा था, जहां पुलिस ने छापा मारकर 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेकबुक और बैंक पासबुक सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस छापेमारी के बीच आरोपियों के पास से महादेव ऑनलाइन ऐप के महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर भी पुलिस के हाथ लगे हैं। गौरतलब है कि लगातार पिछले एक साल से दुर्ग पुलिस ऑनलाइन ऐप के खिलाफ कार्रवाई करते आ रही है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जामुल में आम्रपाली सोसाइटी के कुछ अनजान युवकों का लगातार आना जाना है और जामावड़ा लगा रहता है, जिसके बाद पुलिस ने युवकों की निगरानी रखने के लिए एक टीम का गठन किया। साथ ही टीम ने निगरानी रखी तो पता चला कि ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप का खेल अभी भी जारी है। पुलिस को जानकारी हासिल हुई कि लोटस ऑनलाइन सट्टा ऐप ब्रांच के दो पैनल लोटस 365 विन, लोटस 365 इन नाम के दो पैनल संचालित किए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी दुर्ग जिले के भिलाई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जिले में लगातार महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसके पहले भी काफी सारे जो पैनल्स और ब्रांचेस हैं उनको पकड़ करके काफी लोगों को, काफी अकाउंट्स को फ्रीज कराया गया है। इसी कड़ी में जामुल से एक पैनल जो है लोटस के नाम से जो चल रहा था, उसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और जामुल पुलिस की जो संयुक्त टीम है, उन लोगों ने फौजी नगर के एक घर पे छापा मारा, जहाँ पे ये पैनल चलने की सूचना मिल रही थी। वहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।